सो कैसे हैं आज? जो अपडेट लेके आया था आज 22 तारीख है, और जो अपडेट लेके आया था एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड पे लेके आया था। एच डी एफ सी बैंक कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म के लिए हो सक या लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी स्क्रिप्ट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं एक बेरिश सिग्नल है, और हो सकता है ये आपको 2460 और फिर 2350 तक जाते हुए और 2300 तक जाते हुए आपको दिख सकता है ये शॉर्ट टर्म में। तो कहीं ना कहीं इसमें बेरिश सिग्नल है, सावधानी के साथ बनाए इसमें पोजिशन, और एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज को भी देखने की कोशिश करें तो ये बेरिश सिग्नल के साथ ही क्लोजिंग दिया है। जहाँ इसको क्लोज देना था 2416 पे, वहाँ पे 2414 पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं 2.4 पॉइंट की डिफरेंस है। तो वीकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, 50 से 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का वीकनेस देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव में देखें तो 2417 की क्लोजिंग दिया है इसने, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.2 पोजीशन से इसमें पोजीशन अनवाइंड हो रही है, चेंज इन ओपन माइनस में है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन फॉल के साथ यहाँ पे जो है पोजीशन भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव है, और सेल की क्वांटिटी में देखेंगे 7,85,000 है, जबकि बाई की क्वांटिटी में 1,49,000 सिर्फ है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको देखना चाहिए। और सेम अगर कैश में देखेंगे तो 2418 पे क्लोजिंग दिया है, और इसका जो 2452 वीक हाई है, 2470 है, जो भी है, अगर इसके लास्ट 2 वीक्स के ट्रेडिंग को देखें तो कहीं पे भी ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज से एक जगह केवल 7 जून को छोड़ दें तो बाकी दिन में लोअर ही साइड पे पोजीशन बना रहा है, और डिलीवरी पोजीशन अच्छी खासी इसकी उठ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें डिलीवरी बेस्ड और प्राइस एक्शन जो हो रहा है निगेटिव हो रहा है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें डिलीवरी बेस उठाया जा रहा है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है। मुझे लगता है इस पर कॉशियस पोजीशन आपको बनाना चाहिए। और डेरिवेटिव पे अगर 27 जून की एक्सपायरी को देखें, 2400 पे देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनफैक्ट 2400 पे अनवाइंड हो रहा पोजीशन, लेकिन 2420, 2440, 2460 पे हर 20 पॉइंट के बाद इसको तोड़ा जा रहा है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है। वहीं पर 2340 तक में एक अच्छा सपोर्ट इसको दिखता है, बट यहाँ से भी अनवाइंड हो रहा है पोजीशन, तो लगता है 2380 तक आपको यहाँ पे जाते हुए दिखेगा, जहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिलने को 2400 पे और 2380 पे जाते हुए आपको इस महीने दिखेगा। लेकिन अगर आगे की इसके डेरिवेटिव की पोजीशन को देखें, 25 जुलाई तक के देखें, तो आपको 25 जुलाई तक में देखेंगे यहाँ पे 2300 पे भी 4000 का ओपन इंटरेस्ट बना है और 6750 का है क्यूमुलेटिव, तो 2300 तक जाता हुआ आपको दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर इसको मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो ये एक ऊपर की ओर जा रहा था और अब ये नीचे की ओर फॉल पैटर्न बना रहा है, और कहीं ना कहीं इसको 2380 यहाँ पे भी दिख रहा है। 23 वीक के लिए यहाँ पे आपको 2380 पे आकर के यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और अगर उसको तोड़ता है तो सीधा 2297 का सपोर्ट है, इसको 2300 पे सपोर्ट है, जो कि 21 दिन का डेमा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस है, सिग्नल है, वीकनेस का सिग्नल है। और अगर इसको मैं इसको आवरली 5 आवर के चार्ट पे देखूं तो एक कहीं ना कहीं इसमें एक बुलिश पैटर्न का ये है, हैमर पैटर्न बना हुआ है इसके बाद, और बार बार आप देखेंगे यहाँ पे तो, और एक बार एक इसको पहले मंथली देख लेते, एक बार मंथली देखेंगे तो ये पैटर्न यहाँ से जस्ट इसको फॉलो अप पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना, यहाँ पे भी बना, उसके बाद ऊपर लिया और एक सिग्नल नीचे की ओर बना, यहाँ पे जैसे बना और उसके बाद 3 सिग्नल नीचे की ओर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसको तोड़ेगा और इसके लोएस्ट को 2318, और अगर ये 2318 के लो को भी तोड़ता है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 2000 के लेवल, 2100 के लेवल को भी देखने को आपको मिल सकता है। तो HDFC में मुझे लगता है अभी सिग्नल जो है बेरिश सिग्नल है, और बेरिश सिग्नल थोड़ा किसी कारण से यहाँ पे यहीं के बाद इसको फॉल होना चाहिए था, बट यहाँ से आप लिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रख करके आपको देखना पड़ेगा। और एक सपोर्ट है इसको, बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत दिन से ये सपोर्ट लेके काम कर रहा है। अगर इसको मैं डेली बेसिस पे देखूं, तो ये 2241 का इधर है, और ऊपर साइड में देखेंगे तो 2412 अभी जो क्लोजिंग इसने दी हुई है, कर CMP जो है इसका वो है 2415, 2414, 2415, तो
ये अपने बॉटम पे ही है। इस लाइन को देखें, अगर हम इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें यहाँ पे, तो इसी लाइन पे आकर के इसको एक सपोर्ट मिलता है। अगर ये किसी कारण से कल इसको ब्रेक करता है तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, पहला सपोर्ट जो है इसको 2362-2360 के आसपास है, और फिर अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो 2350-60 जो अभी है उस लेवल को तोड़ता है, तो फिर ये नीचे की ओर 2250 तक जाते हुए आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एक इसमें वीकनेस है और आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर एक कॉशियस पोजिशन जरूर से जरूर बना लें। आवरली बेस पर भी देखें तो ये इस बार बार ये इस पे आकर के स्टॉप ले लेता था और यहाँ से वापस ऊपर की ओर निकलता था, तो आवरली बेस पे यहाँ पे भी सिग्नल लेपट आके स्टैंड किया है, तो दो चांस है कि वापस अगर यहाँ पे स्टॉप ले लेता है, सपोर्ट ले लेता है, तो वापस ये ऊपर की ओर जाए। लेकिन 90% चांस है कि अगर ऊपर लेता भी है तो ये एक यहाँ से देखेंगे तो नीचे की ओर पोजिशन बना रहा है। आप अगर इसको ट्रेंड लाइन अगर दिखाएं तो ट्रेंड लाइन आपको इसको क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस आपको ये धीरे से इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, वापस 2425 से फिर नीचे ले लेगा, तो ये कहीं ना कहीं इसमें बेरिश सिग्नल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है एचडीएफसी में। तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि इस पर वॉच लिस्ट रखें, और अगर ये तोड़ता है तो 2380 को तोड़ता है, सेकंड सपोर्ट जो है इसका 2380 के पास ले लेना चाहिए। अगर तोड़ता है तो फिर वापस आपको यहाँ पे 2350 के आसपास मिल जाएगा। किसी भी हालत से लगता है ये 2300 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, जो कि अभी 2450 यहाँ से 100-150 पॉइंट का आपको वीकनेस मिल सकता है। और अगर 2300 का बैंक निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 10 रुपये का है, इसको पुट को देखें, एक्सपायरी है इसकी 25 जुलाई की, 250 का लॉट साइज होता है, और कहीं ना कहीं 12,750 इसमें बाइंग हुई है 9,000 से, तो सिर्फ 2,500 रुपये का पेपर ट्रेड होता है 1.5% का, और इसको अगर जुलाई में रखते हैं तो शायद यहाँ से आपको अच्छा पोजिशन इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें पेपर ट्रेड करें, डायरेक्ट बाय और सेल मेरे कहने से नहीं करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजिशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।